हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने इस तरीके से ये एक बर्फी शेप का बकरम लिया हुआ है। ये पेस्टिंग बकरम है, पेपर फॉर्म वाला, जो बहुत पतला बकरम होता है, और मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया है। बच्चों के टॉप में बनाने के लिए इसकी मैंने लेंथ केवल 14 इंच रखी है। बड़े टॉप में अगर आप बनाएंगे तो 2 इंच आप बढ़ा लीजिए, 16 कर लीजिए। मैंने इस तरीके से इसको इस तरीके से मैंने फोल्ड किया और 3 का मार्क करके मैंने इस तरीके से निशान लगाना है। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसको अब एक फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। इसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लग रहा हो उसको आप सही कर सकते हैं। है ये बचा हुआ फैब्रिक है, तो इस बेस मैं इसको पेस्ट कर लूंगी। अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। बीच का भी कपड़े को पहले कट कर लेना है। यहाँ पर इस तरीके से कट लगाना है। इस सारे कपड़े को इस तरीके से सफाई से फोल्ड कर देना। तरीके से इसको कच्चे धागों से स्टिच कर दिया है और इस तरीके से ये रेडी हो गया है। अब आप इसको इस तरीके से फोल्ड कर लें। और मैं बता दूं आपको, अगर आप बनाना चाहें तो आप इसको राउंड शेप पर भी बना सकते हैं। कलर फैब्रिक है, इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी। ये डबल है इस तरीके से। मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड किया और हल्का हल्का इस तरीके से मार्क कर देना है राउंड शेप लेते हुए। बहुत ही इजी है, इसे कोई भी बना सकता है। इसको इस तरीके से कट कर लिया। अब इसको मैं इस तरीके से मैंने कच्चे टाकों से इसको स्टिच कर लिया है और इस तरीके से नेक रेडी हो चुका है। मैंने ये वाला इस तरीके से इसको पतला पतला स्टिच कर लिया ऊपर से, और ये वाली लेस का मैं यूज़ करूँगी। मेरे पास वेस्ट पड़ी हुई थी, आप कोई भी लेस का यूज़ कर सकते हैं। इसमें इस तरीके से बहुत ही सफाई से इस वाली लेस को स्टिच कर देना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैं नेक को स्टिच करूँगी। यहाँ से बिल्कुल सेंटर का मार्क करके इसको स्टिच कर देना है। मैंने इसके टॉप के दोनों पार्ट्स रेडी किए हैं। इसी तरीके मैंने इसके दोनों पार्ट्स इस तरीके से रेडी कर लिए हैं। बस सिंगल सिलाई से मैंने इसको आगे फोल्ड कर दिया है। अब इसको सेंटर का मार्क कर लूँगी। पहले इस तरीके से फोल्ड करके पता लग जाता है कि बिल्कुल सेंटर है कि नहीं। इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया। अब यहीं से इसको स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद में यहाँ से दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरीके से सेंटर का मार्क करके इसको भी स्टिच कर देना है। तरीके से मैंने इसमें लेस लगा लिया है था, तो इसलिए इसके ऊपर इन्हीं कच्चे टापों के ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। अब इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है जो कि मैंने मार्क कर रखा है। तो टॉप कुछ इस तरीके से रेडी हुआ है, जो कि समर सीजन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।